हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो फटाफट बहुत ही स्पीड में ये क्वेश्चंस करेंगे आज हमारे हिंदी मीडियम के नीट के। ओके, तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब किसी सी धारिता वाले विद्युत संधारित्र का विभव वी किया जाता है तो उसकी ऊर्जा हुआ करती है। देखिए, तो इसका सीधा फार्मूला हुआ करता है कि यू एनर्जी, जो विभव एनर्जी होती है संधारित्र की, वो कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। जैसा फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो सी धारिता है और वी प्लेटों के बीच का विभव है, तो एक फार्मूला तो ये होता है। आप चाहें तो वी को क्यू अपॉन सी से रिप्लेस कर दें, वी इक्वल टू क्यू बाई सी वी हुआ करता है, तो रिप्लेस कर देंगे तो वन अपॉन टू सी क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो एक फार्मूला क्यू स्क्वायर बाई टू सी होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू वन अपॉन टू सी वी स्क्वायर भी होता है, और एक फार्मूला होता है हाफ ऑफ क्यू वी भी होता है। ओके, एंड एक और फार्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू वन बाई टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो ये इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, ये तीन फार्मूले हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू ये जो कर रहा हूँ, समांतर पट संधारित्र की पट्टियों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, ठीक है। जब पट्टियों के बीच में वायु माध्यम बदल करके परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए, जब आप परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। इसका सीधा सीधा सवाल होता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ये, कि एक समांतर पट्टी का संधारित्र की प्लेटों के बीच में वायु स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। तो ये काम की बात है कि घट जाती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, जो होता है वो परावैद्युतांक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यदि परावैद्युतांक बढ़ोगे तो वो घटेगा। ओके, हाँ, एक तो ये हो गई परावैद्युतांक। देखो, E घट गया है तो V घट जाएगा। ओके, तो एक्चुअली E घट गया है तो क्या हो जाएगा, V घट जाएगा। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू होता है संधारित्र के लिए E इंटू D। तो यदि E कमेगा तो V भी कम हो जाएगा, जिस वजह से V का मान घट जाता है, जिससे कि C इक्वल टू क्यू अपॉन V के अनुसार धारिता बढ़ जाती है। अगर वैसे तो इस क्वेश्चन में धारिता पूछा नहीं है, इन लोगों ने तीव्रता पूछा है, तो आंसर आएगा तीव्रता घट जाती है। बट यदि धारिता का पूछ लेता तो धारिता बढ़ जाती है, मतलब परावैद्युतांक का इस्तेमाल करोगे तो धारिता बढ़ जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। किसी विद्युत ध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है, आर दूरी पर। देखो, तो आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अक्ष से बोल रहा है, तो अक्षीय स्थिति का क्वेश्चन है ये। किसी विद्युत ध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात ध्रुव की अक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर का फॉर्मूला होता है 1/4 ε0 इंटू 2p अपॉन r क्यूब। तो p हो गया विद्युत ध्रुव आघूर्ण, ये तो सब जानते हैं, तो E की वैल्यू क्या होगी, 1/r³। सीधी बात है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। आप वीडियो स्लो करके देख लेना अगर आप लोग को तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं तो तेज चलूंगा, काफी क्वेश्चन कराने मेरे को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चार है। किसी आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सब लोग जानते हैं आवेश के कारण डायरेक्टली फार्मूला होता है 1/4 ε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा कितना, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक मार्क्स का। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन बच्चों, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। एक समान रूप से आवेशित A त्रिज्या के एक गोले के ऊपर उससे R दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है। तो देखो, जो गोला होगा यार, सीधे उसका विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, गोली चालक कण विद्युत विभव 1/4 ε0 इंटू क्यू बाई आर। तो सीधी सीधी बात है, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो सीधा फार्मूला होता है गोले का, 1/4 ε0 इंटू क्यू अपॉन आर, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए फिफ्थ के बाद सिक्स क्वेश्चन आ जाइए। कुलाम के नियमानुसार किसी दो आवेशों के बीच में स्थित लगने वाला विद्युतीय बल, तो उनके आवेश के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यही सही है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि सभी को पता है कि कूलम्स का जो लॉ होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/4 ε0 इंटू q1 q2 / r². तो साफ साफ दिख रहा है आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन, बहुत सिंपल टाइप का, ठीक है ना जी बच्चों। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन है, किसी संधारित्र के वायु के स्थान पर के मान का परावैद्युतांक रख दिया जाए तो संधारित्र की धारिता, अभी ऊपर ही पढ़ा हमने, बढ़ जाती है। देखिए, तो संधारित्र की धारिता, देखिए अगर हवा होती तो संधारित्र की भार फॉर्मूला होता है कितना, सी ए इक्वल टू ε0 अपॉन डी। यदि माध्यम भर दिया जाए तो के आ जाता है, तो साफ साफ देख रहा है मीडियम की जो हो चुकी है के गुना हो चुकी है, तो आंसर धारिता जो होती है के गुना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलिकॉन के प्रयोग के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। देखिए, मिलिकॉन का प्रयोग, अब ये क्वेश्चन जो है 10^-19 चारों में है, तो ये मतलब क्वेश्चन जो है आपको देख रहा है कि कितना एक्यूरेसी से आपने पढ़ा है।
तो इसका करेक्ट आंसर होता है 1.641। ये रटने वाला क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इसको तो याद करके जाना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर है क्या, 1.641 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ इक्वल टू 1.641 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। 6 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को समांतर में जोड़ा गया, तो सिंपल क्वेश्चन होता है एकदम। समांतर में क्या होता है, संधारित्र का C1+C2। तो आंसर सीधे जोड़ दो, आंसर 6+3 कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया। ओके, देन अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रति एकांक क्यू आवेश के अनंत लंबाई के बेलन के अक्ष के आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, बेलन के अक्ष पर आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, लैम्डा इक्वल टू 2π ε₀ / ऐसा कुछ होता है q/r, मतलब आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कितनी होती है बच्चों, एक मिनट बस। 2π ε₀ कुछ करके आता है। ओके, आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि ये जो अपना जो बेलन होता है, मतलब एक समान बेलन, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ देखिए, ये मिल सा गया है मुझे। हाँ देखिए, जो बेलन होता है ना, वो क्या होता है, वो बेलन किसकी तरह काम करेगा, बेलन को माना जाता है क्या धारावाही चालक कि नहीं माना जाता, धारावाही चालक नहीं मान सकते इसमें। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बच्चों। प्रति एकांक लंबाई पर क्यू आवेश वाले अनंत लंबाई के, अच्छा लंबाई है ना, अनंत लंबाई है कि बेलन, तो लंबाई अनंत है उसके कारण बेलन की तीव्रता कितनी होती है। देखिए डायरेक्टली इसमें तो दिया गया है, गॉस के नियमानुसार लंबे आवेश बेलन के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब ई व्युत्क्रमानुपाती होगा आर के। अब इसका फॉर्मूला देखिए डायरेक्टली आपको मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसका फॉर्मूला अनंत लंबाई के चालक के कारण जो इसका फॉर्मूला होता है, आप याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल्स टू 1/2π ε₀ × λ/r, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आर इसके व्युत्क्रमानुपाती में आ रहा है, तो मतलब ई क्या होगा, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब यदि कोई चालक है, अगर आप आर बढ़ाते जाएंगे तो इस पॉइंट पर जो तीव्रता होगी वो कम होती जाएगी। ओके, इस पॉइंट पर तीव्रता जो होती है, अगर आपका आर बढ़ेगा तो इस पॉइंट पर तीव्रता जो होती जाएगी वो कम होती जाएगी। यही क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 10वां क्वेश्चन था ये। ओके, इसका थोड़ा सा रेजोल्यूशन भी देख लो, यदि आप लोग को देखना हो तो ये देखो, ये लिखा हुआ है अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश का कितनी होती है, देखो ये होती है 2k λ/r, और दैट इज इक्वल टू, इसको खोलने पर कितनी होती है, 2 1/4π ε₀ × λ/r एन कैप। ये जो एन कैप होता है ना, ये एन कैप होता है, एक मिनट, एन कैप जो होता है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर हुआ करता है। हालांकि ये दिशा जो है, आप इसको आर कैप भी लिख सकते हैं, इसको आप आर कैप भी लिख सकते हैं। ओके, एन कैप क्या है, रेखी आवेश के लंबवत इकाई सदिश, मतलब जैसे ये रेखी आवेश है ना, तो इसके लंबवत दिशा क्या होगी, ये तो इसके लंबवत इकाई सदिश इस दिशा में जो होगा वो एन कैप बनेगा। तो इसको एन कैप दे दिया है, आप चाहो तो आर कैप भी लिख सकते हो, क्योंकि जो एन कैप की दिशा होगी वही आर कैप की दिशा होगी, इसलिए एन कैप की जगह आप आर कैप भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लगे हाँ, तो इनकी बात कर लेते हैं। अनंत क्षेत्रफल की आवेशित सतह के कारण, यदि आवेशित सतह होती ना, ये ऐसा फील्ड होता है, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अनंत आवेश है, किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, देखिए ये होती क्या, σ/2ε₀ × nˆ, ये नियत होती है, बदलती नहीं है, क्योंकि कोई बदलने वाला टर्म यहाँ पे नहीं है। σ/2ε₀ × nˆ, यदि आप इसको खोल दोगे σ/2ε₀ को, तो σ/2ε₀ को खोल करके आपके पास ये आ सकता है 2π k σ nˆ। ओके, 2π k σ nˆ, ये सिग्मा क्या होती है, यहाँ पे सिग्मा होती है क्या बोलते हैं उसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व, हाँ पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा ये हुआ करता है, ठीक ना। तो इससे आप इसको कर सकते हो। चलो ओके बच्चों, तो ये मेनली फार्मूला है 2ε₀। और ये वाला फार्मूला कैसे बना है, इसको एक बार डिराइव करके देख लेते हैं। ये जो साथ में लिखा हुआ है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है, इसको भी डिराइव करके देख लेते हैं। देखिए आपके पास फार्मूला क्या था, ई इक्वल टू σ/2ε₀, ये आपके पास फार्मूला था। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है 1/4π ε₀। तो हमने क्या किया, ε₀ तो है हमारे पास, 4π नहीं था, तो हमने 4π का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और 4π का
ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 पाई का नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिया, ये चाहिए था, तो 4 पाई का तो कर ही चुके हैं खैर, तो ऊपर और कर दिया और क्या बच गया भैया, सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू रख दो, सिग्मा ये हो गया। ओके बच्चों, यस देखिए इसको क्या बोलते हैं अपन, के, तो 4 पाई का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 पाई का नीचे, अच्छा एक 2 भी है बच्चों, 2 भी है ये वाला 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया ऊपर, 4 पाई सिग्मा, 4 पाई सिग्मा, और यहां पे के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो होता है ना के, इसको बोलते हैं के, तो आंसर देख लो भाई, तो एक मिनट, हाँ ये 2 टाइम्स जाएगा, सॉरी 2 टाइम्स जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 पाई सिग्मा इंटू के, तो मैं चेक करता हूँ आंसर, 2 पाई के सिग्मा, बिल्कुल सही है अपने पास आंसर, यही बना है, और डायरेक्शन क्या लगती है इसकी, एन कैप बाहर की तरफ, क्योंकि ये अपने पास आवेश चालक है, छीट है, तो इसका जो क्षेत्र जाएगा वो कहाँ जाएगा, एन कैप बाहर की तरफ जाएगा। ओके तो ये हो गया भैया अपने पास एक क्वेश्चन, ये भी पढ़ लिया, अनंत क्षेत्रफल की आवेशित चालक पट्टिका के कारण, ये तो ये भी क्या था, अनंत क्षेत्रफल की आवेशित सतह के कारण। ओके तो ऐसा ही क्वेश्चन होगा बच्चों, चलिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अब देखिए ये क्या है, अनंत क्षेत्रफल की आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, अगर आपके पास अनंत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, देखिए अगर आपके पास अनंत क्षेत्रफल की विद्युत आवेशित पट्टिका है तो उसके कारण कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये भी सिंपल है, आपको केवल क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, अब आपको लेना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका भी आंसर उसी तरीके से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एन कैप ये भी नियत होती है और ये पृष्ठावेश घनत्व तो होता है। चलिए दोस्तों तो ये एक तरीके से हमारा ये वाला पार्ट हो चुका है, अब आइए वापस आते हैं क्वेश्चन में। ओके देखिए क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर दूर, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, 50 सेंटीमीटर दूर पर ए और बी पर 2 आवेश रखे हैं इतने इतने, और ए बी रेखा पर किसी बिंदु पर विभव 0 है, तो इस बिंदु की ए से दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि ए बी रेखा पर किसी बिंदु पर विभव 0 है, तो आपको विभव क्या करना है, 0 करना है, तो एक का ये विभव विभव जो होती है अदिश राशि होती है, और विभव अदिश राशि होगी तो टोटल विभव कितना हो जाएगा, 0, और अपने अपने चिन्ह लेकर के ऐड हुआ करते हैं, तो विभव 0 करने के लिए एक इसको पहले आप ऐसे समझो, देखो कि आपके पास क्या है कि 2 पॉइंट रखे हुए आपके पास, एक पॉइंट ये है, क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूँ बच्चों, 11th, ठीक ना, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ए बैठा हुआ है और एक पॉइंट बी बैठा हुआ है, 50 सेंटीमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में, यहाँ 50 की दूरी है। ओके अब इस पर 2 आवेश रखे हुए हैं, पहले वाले पर आवेश रखा हुआ है कितना, 4×10⁻⁸ कूलम, 4×10⁻¹ कूलम, और दूसरे पर रखा हुआ है कितना, दूसरे पर रखा हुआ है −6×10⁻¹ कूलम, तो इसका जो विभव लगेगा ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर कहीं पर भी विभव क्या लगेगा, प्लस चार्ज पे लगेगा, पॉजिटिव विभव बनेगा वी ए, और इसका भी विभव लगेगा वो निगेटिव विभव बनेगा वी बी। ओके तो सवाल ये है कि वी ए प्लस वी बी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0, नेट विभव 0, तो बट विभव निकालते समय चिन्ह साथ में लिए जाते हैं चार्ज के। ओके तो मतलब पॉजिटिव चार्ज का विभव पॉजिटिव आता है और निगेटिव चार्ज का विभव निगेटिव आता है, तो समझो इसको कैसे करेंगे, तो नेट विभव 0 है तो क्या हो जाएगा भैया अपने पास, टोटल विभव 0 है मतलब VA बराबर V2। अब आप कहोगे सर आप तो प्लस ले रहे थे ये इधर क्यों चला गया, क्योंकि देखो जब आप वैल्यू पुट करोगे ना माइनस की, इसके कारण जो विभव आएगा ना निगेटिव आएगा, तो ये सॉल्व होकर के फाइनली ऐसा समझ लो V आया, और ये सॉल्व होकर के इसकी वैल्यू जो होगी माइनस में आएगी चार्ज, तो इक्वल टू 0, तो VA इक्वल टू कितना हो गया VB। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लो अपने अपने मेथड से, तो ये देखिए कैसे किया आपने, आपने मान लिया कि इस चार्ज से इसकी दूरी जो है एक्स है, जिस पॉइंट की बात कर रहे हो, तो ये दूरी कितनी होगी भैया, ये पहले अपने पास दूरी कितनी होगी, ये होगी 50 − x होगी ना, क्योंकि टोटल दूरी 50 है, तो ये दूरी एक्स है, 50 − x, और विभव का फार्मूला क्या होता है, विभव का फार्मूला 1/4πε0 × Q/R। ओके तो हो गया, ये लगा दो आप लोग फार्मूला, ये फार्मूला है, ये एक्चुअली के था बच्चों, के क्यों था के, क्योंकि अपन के पास वी का फॉर्मूला होता है ना, 1/4πε0 × Q/r, तो इसको के बोलते हैं बच्चों, स्मॉल के, बार बार, क्योंकि कौन बार बार लिखे,
के क्यू अपॉन आर, ऐसा फॉर्मूला आपने देखा होगा। तो कुछ नहीं, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, एक आर वन है एक आर टू, तो एक आर वन ले ली कितनी एक्स, ये डिस्टेंस एक्स ले ली, और दूसरी वाली क्या ले ली अपने पास, दूसरी वाली क्या है 50 माइनस एक्स। मन में सवाल उठा होगा कि आपने इसको सेंटीमीटर में क्यों नहीं बदला, क्योंकि सेंटीमीटर बदल भी लोगे ना तो यहां से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, तो सीधे सीधे सॉल्व कर लिया, आंसर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अगर आप बदल भी लोगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आंसर इसका आ गया 20 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये इस तरीके से हो गया 11th क्वेश्चन, सिंपल है 1 मार्क्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र में ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, यार पहले ही कर चुके हैं, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है, तो डायरेक्टली याद करा अपन ने, है ना। विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल कितना होता है, पी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, पी क्रॉस ई। तो ये भी 1 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन में तेज पढ़ता हूं, आप लोग स्लो मोशन में करके सुन सकते हो इसको। 10^-7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, मतलब एक बूंद है उस पर इतने का आवेश है, उसे वायु में निलंबित मतलब लटकाया गया है, तो निलंबित करने के लिए चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मतलब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो भैया अपने पास क्या है कि ये मान लो कोई पानी की बूंद है। ओके, अब पानी की बूंद तो लटक रही होगी तो नीचे क्या लगेगा, mg, इस पर आवेश है, कौन सा आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का निगेटिव आवेश है इस पर। ओके, इस पर निगेटिव आवेश है, तो आप चाहते हो कि ये लटक जाए, तो आपको फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर QE, तो QE इक्वल टू mg से आपको E निकालना है यहाँ पर, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा mg बाई Q। सारी बातें बाकी दी गई हैं, क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है, तो आप नोट कर लो। देखो बूंद को वायु में निलंबित करने के लिए विद्युत बल कितना होगा, QE इक्वल टू mg, ठीक ना। तो कुछ नहीं कर दो सॉल्व, विद्युत का आवेश ई क्षेत्र की तीव्रता, QE इक्वल टू m × g। m की वैल्यू देखो, देखो कैसे करना है, m की वैल्यू इन लोगों ने 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी इंटू जी। ओके, और डेंसिटी जरूर इनको देनी पड़ेगी, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इनको डेंसिटी जरूर देनी पड़ेगी। ओके, जल की बूंद है, ओके 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 ठीक है, जल की बूंद है, तो जल की बूंद की डेंसिटी भी कितनी होती है, 10^3 होती है जल की बूंद की डेंसिटी, घनत्व 4/3 πr³, ओके, इंटू πr³, रेडियस का क्यूब कर दिया है, और डेंसिटी कैसे रखी, ये प्रॉब्लम वाला विषय है। मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है, हाँ, तो देखिए कि 4/3 πr³ d × g, तो ये सॉल्व करने के लिए आप जो है इसको, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही कि 1000 × 10 क्यों किया है, डेंसिटी जो होती है पानी की वो होती है 1000 kg/cm³, तो 1000 तो आना है, बट ये 10 यहाँ पर गलती से रख दिया गया है। ओके, इसको सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा, बस बाकी तो सब कुछ सही है। देन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करें, क्वेश्चन नंबर 14 पहले पढ़ लेते हैं, ये तो अपन कर चुके 13। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी डी है, ओके, डी बाई टू मोटाई की धातु की एक संधारित्र प्लेटों के बीच में रख दी जाती है, तब धारिता, देखिए डी बाई टू मोटाई, तो संधारित्र प्लेट की धारिता क्या होती है, वायु संधारित्र की सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, अगर डी प्लेट के बीच की दूरी होती है। अब यदि आप धातु की प्लेट रखते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, C′=d − t, ये होता है फॉर्मूला। अगर आप धातु की प्लेट को रखते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, ε₀a/d − t, जहां t होती है प्लेट की मोटाई, तो भैया t प्लेट की मोटाई रख दो, कितना हो गया d/2, तो आंसर कितना आ गया 2 times हो गया, तो सीधे धारिता जो है वो कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ओके, अगर आप धातु की प्लेट को रख दी जाए d/2 मोटाई की, तो धारिता जस्ट कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। आप आराम से करिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को, तो आपको बनेंगे ये क्वेश्चन, मैं तो बहुत तेजी से करा रहा हूँ, अभी मे भी आपको प्रॉब्लम हो जाए। चलो देखो जी अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, 6 μF के 3 धारित्र उपलब्ध हैं, प्राप्त की जाने वाली धारिता क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम, तो देखो भाई न्यूनतम तो मिलेगी सीरीज में और अधिकतम मिलेगी पैरेलल में, तो देख लो भैया न्यूनतम के लिए कितनी हो जाएगी 2 μF और अधिकतम के लिए कितना 18, तो देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है, 2 और 18 पे टिक लगा दो, ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन है एकदम। ओके, ये नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
हाँ जी, हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए जी, चालक प्लेट में चालन इलेक्ट्रॉन लगभग एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, स्थित विद्युत क्षेत्र ई में रखने पर प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि एक चालक प्लेट को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा प्लेट के भीतर। आंसर जीरो है, जानते हैं चालक में आवेश केवल सतह पर होते हैं, ओके, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालक के भीतर आवेश शून्य हो जाता है, इसलिए इस क्षेत्र का भी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब किसी भी प्लेट को अगर आप रखोगे, ऐसा कुछ है यदि आपके पास एक विद्युत क्षेत्र है और अगर आपने यहां पे कोई प्लेट रख दी चालक प्लेट, तो यहां से यदि ये प्लस है, ओके, तो विद्युत क्षेत्र देखो बच्चों ऐसा जाएगा, यहां पे अंदर की ओर जाएगा इसमें, ओके, ऐसा कुछ जाएगा और बाहर फिर ऐसे निकलेगा इससे, बट अंदर कुछ नहीं रहेगा क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चालक प्लेट के अंदर कोई भी बल काम नहीं करता है और ना कोई विद्युत क्षेत्र काम करता है, ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र चालक प्लेट के अंदर जीरो रहेगा, ठीक है, ओके, नेक्स्ट। चलिए तो ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो चुका है आपके पास, चालक प्लेट वाला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अब देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर नियत कण रखे गए हैं, प्रत्येक कण पर 10 कूलाम आवेश है, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यार सिंपल क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगना है, केवल फॉर्मूला क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो देखिए पहला ये दो आवेश है, इनकी स्थितिज ऊर्जा बनेगी, इसकी बनेगी, इन तीनों की बनेगी, और तीनों की स्थितिज ऊर्जा क्योंकि 10 10 10 तो तीन बार ले लो, सीधी बात है, जोड़ करके तीन बार, और एक आवेश की दो के पेयर की स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। तो तीनों को आपने ऐड कर दिया, कुल मिलाकर के आंसर आ जाएगा बच्चों 27 जूल। सरल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, समान आकार एवं समान आवेश वाली 8 छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी गोली बूंद बनाती हैं, छोटी बूंदों की तुलना में बड़ी बूंद का विभव कितना होगा। देखिए तो सबसे पहले यार त्रिज्या निकाल लो, देखो छोटी बूंदें हैं, 8 बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बना रही हैं, तो ये बड़ी बूंद हो गई और 8 छोटी बूंद हो गई, सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, कैपिटल आर इक्वल टू कितना हो गया 2R। तो छोटी बूंदों पर विभव वी इक्वल टू, छोटी बूंद पर छोटा विभव कितना था Q/R, बड़ी बूंद पर विभव कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू टोटल चार्ज कितना आ जाएगा बेटा इसमें Q × 8, क्योंकि 8 बूंदें मिला दी हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया Q × 8 × R, R की वैल्यू कितनी आई है 2R, तो आंसर कितना हो गया भैया यहाँ पे 4V, ओके। एक इसका डायरेक्टली फॉर्मूला मुझे याद है कि 2/3V हुआ करता है, ओके, बूंद मिलाने वाला, इसकी डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर आप बूंद मिला रहे हो तो इसकी डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक हुआ करती है। देखो इसका होता है फॉर्मूला V = n^2/3V, ये होता है फॉर्मूला यार, ओके। तो देखो इससे मतलब V मतलब पुराना वोल्टेज, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 18 चल रहा है। अब देखो इससे क्वेश्चन अपन कैसे कर सकते हैं, नया वाला वोल्टेज इक्वल टू कितनी बूंद मिलाई आपने 8^2/3 × पुराना वाला वोल्टेज तो V है, 8^2/3 कैसे करेंगे, देखो तो पहले 8^1/3 कर लो और उसकी जो पावर है उसकी पावर 2 लगा लेना वी, सिंपल मैथ लग गई यहाँ पे। 8^1/3 कितना आता है बच्चों, 2 आता है, क्योंकि 8 में 3 पेयर बनते हैं ना, तो 2 आता है, और 2^2 भी, आंसर कितना आ गया 4V। तो डायरेक्टली याद कर लो कि मिलाने वाले क्वेश्चन में V = n^2/3V होगा, बस यही फॉर्मूला याद कर लो, इससे काम चल जाएगा, मिलाने वाला क्वेश्चन कोई भी आए तो यही वाला फॉर्मूला लगा देना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन तो कर लिया अपन ने, अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं। एक संधारित्र की बैटरी को जोड़ करके रखा है, उसकी प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक पट्टिका रख दी जाती है, इस प्रक्रिया में कोई कार्य नहीं किया जाता। अच्छा, एक संधारित्र की बैटरी से जुड़ा रखकर उसकी प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पट्टिका रख दी जाती है, मतलब यार हुआ क्या है, पहले ये समझो कि आपके पास क्या था कि एक संधारित्र की प्लेट थी, 19 क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों अपना, आपके पास एक संधारित्र की प्लेट थी, मान लो ये प्लेट थी एक और एक ये प्लेट थी, ठीक है ना, ये प्लेट थी, ठीक है ना, और ये दोनों बैटरी से जुड़ी हुई हैं, तो एक एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, तो बेटा इसके ऊपर प्लस चार्ज रहा होगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहा होगा, माइनस चार्ज रहा होगा। एक संधारित्र को बैटरी से जुड़ा रख करके उसकी प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पट्टी, तो अब आपने यहां पे परावैद्युत पट्टी का रख दी, खटखट खटखट, यहां पे देखो परावैद्युत पट्टी का रख दी, अब कह रहा है इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो देखो इस प्रक्रिया में बताना है कोई काम होगा कोई काम नहीं होगा। तो जब परावैद्युत पट्टिका रखोगे तो सबसे पहली बात है पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल जो होगा ड्रॉप होगा, एक मिनट, पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि नहीं होगा ये देखते हैं पहले, है ना, हाँ
चलिए, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा और W इज इक्वल टू होता है कितना, V इक्वल टू होता है W बाई क्यू, तो W इज इक्वल टू होता है Q इंटू वी, ये फॉर्मूला लग सकता है। चलिए आंसर देख के बता रहे हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19, परावैद्युत पट्टिका के रखने पर संधारित्र व बैटरी दोनों को ही अपनी ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, यही मैं भी कह रहा था कि दोनों को अपनी ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही परावैद्युतांक आता है तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जाइज करना पड़ेगा, इसके अंदर पोलराइज करेगी बैटरी, तो सीधी सीधी बात है कि बैटरी अपनी ऊर्जा इसे देगी दोस्तों। तो ये बात बिल्कुल मतलब है कि दोनों को ही काम करना पड़ेगा, बैटरी को और संधारित्र को। तो देखो क्या कह रहा है कि पट्टिका रखने से पूर्व संधारित्र में संचित ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बैटरी का उपयोग होगा, बैटरी और संधारित्र दोनों का ही ऊर्जा का उपयोग इस कार्य में होगा। बच्चों ये हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी लर्निंग लग रही है। इसमें मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैटरी तो काम करेगी, साथ ही साथ संधारित्र की जो पुरानी ऊर्जा थी वो भी काम करेगी। ओके, जो संधारित्र की पुरानी ऊर्जा थी ये भी काम करेगी, तो ये न्यू क्वेश्चन है मेरे लिए और आपके लिए भी होना चाहिए। ये थ्योरेटिकल है बट अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा वाले के चालक की, अभी बताया था मैंने कि अगर कोई चालक है तो एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा वाले चालक पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र, देखो चालक पृष्ठ यहां पे बोला गया है, तो चालक पृष्ठ के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है आप जानते हो, चालक पृष्ठ, समझ रहे हो, ये है ना, इसके कारण जो चालक पृष्ठ के कारण जो विद्युत क्षेत्र हुआ करता है, पृष्ठ है मतलब ये थिकनेस यहां भी पीछे की तरफ भी जाएगी, ऐसा कुछ होगा यार। ये देखिए चार शीट है, तो यहां पर एक पीछे वाला फील्ड भी आएगा, एक आगे वाला फील्ड भी आएगा, और टोटल आंसर क्या पढ़ाया था मैंने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये इसका आंसर होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, क्वेश्चन नंबर 20, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर होगा। तो देखते हैं इसका आंसर 20 का ए बिल्कुल सही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होती है ना, और ये जो होती है यार, एक मिनट, ये कह रहा है कि पृष्ठ के समांतर दिया हुआ है, पृष्ठ के समांतर तो नहीं होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, इसमें दिया हुआ है आंसर में पृष्ठ के समांतर, तो मैं इस क्वेश्चन से एग्री नहीं हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होती है और ये कह रहा है पृष्ठ के समांतर होती है, नहीं भैया मैं तो एग्री नहीं हूं, समांतर से मैं एग्री नहीं हूं, मैंने यहां पे प्रॉब्लम लगा दी है, मेरे हिसाब से पृष्ठ के अभिलंबवत होती, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, गलत दिया इसका आंसर। ओके, तो ये जो है इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, आपने देखा भी अभी, यस। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक अनावेशित संधारित्र को एक बैटरी के साथ जोड़ा गया, संधारित्र को आवेशित करने पर दी गई संपूर्ण ऊर्जा संधारित्र में संचित होगी, दी गई ऊर्जा आधी ऊर्जा संधारित्र में संचित होगी, संचित ऊर्जा का केवल संधारित्र की धारिता पर निर्भर करती है, संचित ऊर्जा संधारित्र को आवेशित करने में लगे समय पर निर्भर करती है। देखिए इसका क्वेश्चन करते हैं कैसे करेंगे इसको, एक कहा क्या गया पहले यार एक बार तो ये समझ लो कि एक आपके पास अनावेशित संधारित्र है, मान लो ये अनावेशित आपके पास संधारित्र है। ओके, आपने इसको क्या है कि अनावेशित संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा गया है, संधारित्र को आवेशित करने पर अगर आप इसको चार्ज कर रहे हो, आवेशित कर रहे हो, तो सबसे पहली बात है कि जितना टाइम लोगे उस पर डिपेंड करेगा कि ये चार्जिंग कितनी हुई है, क्योंकि संधारित्र की जो चार्जिंग होती है वो टाइम पर डिपेंड किया करती है। तो नंबर वन है दी गई संपूर्ण ऊर्जा संधारित्र में संचित होती है, नहीं ये तो फर्जी बात है, बिल्कुल संचित नहीं होती है, दी गई ऊर्जा आधी संधारित्र में संचित होती है, देन संचित ऊर्जा केवल संधारित्र की धारिता पर निर्भर करती है, संचित ऊर्जा संधारित्र को आवेशित करने में लगे समय पर निर्भर करती है। जी हाँ, तो ये जो है लगे समय पर निर्भर करती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। इसका आंसर देख लेते हैं, देखिए संधारित्र में संचित ऊर्जा की मात्रा आवेश पर निर्भर करती है वह आवेश समय पर निर्भर करता है, आवेश समय पर निर्भर रहता है, इसलिए संचित ऊर्जा की मात्रा आवेशित करने में लगे समय के समानुपाती होती है। जी हाँ, तो
जो संधारित्र में संचित ऊर्जा की मात्रा आवेश पर निर्भर करती है। ओके, नहीं ऐसा तो अब एक चीज कहा जा सकता है कि धारिता पर भी निर्भर करेगा, मगर टाइम पर डिपेंड जरूर करेगा। तो यहां पे आवेश का तो कोई बात दी गई नहीं है, है ना, और केवल संधारित्र की धारिता, तो ये बात गलत है, केवल संधारित्र की धारिता पर निर्भर नहीं करती है। ओके, केवल संधारित्र की धारिता पर ही निर्भर नहीं करेगी, धारिता पर निर्भर करती है, ये बात सही होती है कि जो संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है वो यू होती है, यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। तो ठीक है ना, तो क्यू पर भी डिपेंड कर रही है और सी पर भी डिपेंड कर रही है, बट सी एक्चुअली क्या होता है, हर संधारित्र का कॉन्स्टेंट होता है, ये मान के चलो आप, सी को तो बदल नहीं सकते हो। तो U इज इक्वल टू कितना हो गया, U प्रोपोर्शनल टू हो गया Q का स्क्वायर। इसलिए धारिता पर निर्भर एक तरीके से धारिता आप बदल नहीं सकते हो ना, उसकी उसकी धारिता तो फिक्स है, कैपेसिटी तो फिक्स है, तो सीधे Q स्क्वायर पर डिपेंड किया यहाँ पे आंसर, बट यहाँ पे टाइम का फैक्टर होना चाहिए, तो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन भी लगा लो भैया, इंपॉर्टेंट, अच्छी लर्निंग दे रहा है ये क्वेश्चन। ये VIMP लगाओ, इस पर लगाओ न्यू, चलो साहब हो गया। अब आगे देखते हैं यार क्या क्वेश्चन कह रहा है। किसी सपाट वृत्ति चकती पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। हाँ है, ठीक है भाई है। किसी सपाट चकती पर एक क्यू प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, प्लस आवेश प्लस क्यू को ई गतिज ऊर्जा से चकती और चकती के लंबवत अक्ष पर मार्ग पर फेंका जाता है आवेश क्यू। अच्छा फिर से पढ़ता हूं क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। किसी सपाट वृत्ति चकती पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, आवेश प्लस क्यू को ई गतिज ऊर्जा से चकती की ओर चकती के लंबवत अक्ष के मार्ग पर फेंका जाता है, तो आवेश क्यू के क्या हाल होंगे। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 22, समझो पहले फंडा क्या है। ये आपके पास कोई सीढ़ी है, चकती डिस्क, अब इस पर आवेश जो है समान रूप से वितरित है, मतलब हर जगह इस पर आवेश वितरित होगा। चकती है भैया, मेटल तो है नहीं, और यहां पे क्या कहा गया है कि मेटल नहीं है मतलब धातु नहीं है, मतलब ऊपर नहीं, हर जगह होगा चार्ज, हर जगह इसमें चार्ज होगा, आवेशित चकती है, एक समान आवेशित चकती। ओके, किसी सपाट प्रति चकती पर प्लस क्यू आवेश, इसमें पूरे में इसका जो टोटल आवेश है कितना है, प्लस क्यू है, एक समान रूप से वितरित है, आवेश प्लस क्यू को गति ई गति ऊर्जा से, अब ये इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष है। ओके, अब क्या कर रहा है भैया, आवेश एक और आवेश है इसको प्लस क्यू, इसको ई गतिज ऊर्जा के साथ चकती की ओर लंबवत अक्ष पर मार्ग पर फेंका जाता है, इसके लंबवत अक्ष पर यहां से फेंका जा रहा है, प्लस क्यू आवेश को फेंका गया जा, कितनी ऊर्जा से फेंका गया, ई ऊर्जा से, ठीक ना, जा, तो क्या होगा, नंबर वन जाके चकती के केंद्र से टकराएगा, मतलब ये जाएगा और चकती के केंद्र से टकरा जाएगा, पहला चकती को छूकर अपने मार्ग